दोस्तों, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप हमेशा कार खरीदते वक्त हैचबैक, सेडान और एसयूवी की बजाय एक एमपीवी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हो, और उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा प्यारा कल्चर। क्योंकि हम लोग कहीं भी पिकनिक मनाने या घूमने फिरने या लॉन्ग ड्राइव पर जब जाने का प्लान करते हैं तो कभी भी खुद के बीवी बच्चों के बारे में ही नहीं सोचते वेस्टर्न पीपल की तरह। हम लोग सबको साथ में लेके चलने में विश्वास रखते हैं। अगर हमें कहीं जाना है घूमने फिरने तो खुद के बीवी बच्चों के अलावा घर में अगर भाई बहन हो तो उनको भी साथ में लेके जाते हैं। और फिर माता पिता तो हमारे प्यारे भारत में पूजनीय माने जाते हैं, तो ऐसे में उनको छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे में वो लोग जो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें एक 7-सीटर एमपीवी की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक एमपीवी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि वो उसे फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर साथ ही एक एमपीवी उनके लिए ऑफिस और दुकान के छोटे मोटे सामान लाने ले जाने में भी काम आती है। अब अगर हम यहाँ मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अंडर 10 लाख रुपीज़ वाली एमपीवीज पर हम फोकस करेंगे। अब अंडर 10 लाख रुपीज़ में आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं इंडियन कार मार्केट में? पहली रेनो की ट्राइबर और दूसरी मारुति की अल्टिगा, XL6, मराजो और बाकी की गाड़ियाँ 10 लाख रुपीज़ से ऊपर की आती हैं। और रही बात डेटसन गो प्लस की, तो वो 7-सीटर नहीं है क्योंकि उसकी लास्ट रो एकदम यूज़लेस है, क्योंकि उस पर बड़े तो क्या छोटे बच्चे भी ठीक से नहीं बैठ पाते। लेकिन अब इंडियन कार मार्केट में बहुत जल्द एक और नई 7-सीटर एमपीवी आ रही है, और ये एमपीवी होगी मिट्सुबिशी की एक्सपांडर। ये गाड़ी कोई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी नहीं होगी, बल्कि एक प्रॉपर एमपीवी होगी जिसकी लेंथ लगभग 4.5 मीटर तक होगी। इस गाड़ी को मिट्सुबिशी कई और कंट्रीज़ में भी बेचती है, और ये गाड़ी कई कंट्रीज़ में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एमपीवी के तौर पर भी जानी जाती है। मिसाल के तौर पर फिलीपींस में ये गाड़ी काफ़ी अच्छे नंबर्स में बिकती है। इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट पेट्रोल इंजन, जो 105 PS और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आता है। इस गाड़ी में आपको हेडलैम्प्स जो है वो नीचे बम्पर में मिलते हैं और ऊपर DRLs, वैसे ही जैसे आपने टाटा हैरियर और ह्युंडई वेन्यू में देखा है। और ये डुअल स्प्लिट हेडलैम्प्स हैं, नीचे नॉर्मल फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे। टेल लाइट्स भी इसमें आपको LED ही मिलने वाली है। फिर इसमें आपको 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 7-इंच का कैपेसिटिव टच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। 4 स्पीकर्स इसमें आपको मिलेंगे विद 2 ट्विटर्स, यानी कि टोटल 6 स्पीकर्स। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑल 4 पावर विंडोज़, ऑटो AC, रियर AC वेंट्स, रियर पार्किंग कैमरा, ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक वगैरह जैसे तमाम वो फीचर्स तो मिलेंगे ही जो आपको अर्टिगा ऑफर करती है। लेकिन इसमें आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे जो आपको अर्टिगा में नहीं मिलते, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइविंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल्स और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। फिर ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें आपको क्लास लीडिंग मिलेगा 205 mm का। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस मिट्सुबिशी को काफ़ी एग्रेसिव रखना होगी अगर वो इंडियन कार मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है तो, क्योंकि फ़िलहाल की कंडीशन में देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि मिट्सुबिशी की गाड़ियां लगभग अब बिकनी बंद ही हो गई हैं। और वैसे भी अभी उनके 2 ही प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त इंडियन कार मार्केट में, पहली पजेरो स्पोर्ट्स और दूसरी आउटलैंडर। तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी की प्राइसिंग 7.5 से 10 लाख रुपये के बीच कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बाकी रही बात लॉन्चिंग की, तो ये गाड़ी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 तक लॉन्च होगी। तो मिट्सुबिशी अपनी एक्सपांडर के साथ फिर से एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है इंडियन कार मार्केट में। बाकी कुछ और चीज़ भी है जिन पर मिट्सुबिशी को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप वगैरह वगैरह। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मिट्सुबिशी एक्सपांडर मारुति अर्टिगा और रेनो ट्राइबर को एक कड़ी टक्कर दे पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।